नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज हम BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और ये मेरी प्रथम क्लास रहेगी BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए। तो BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए एक पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास विषय के अंतर्गत, जो वैकल्पिक विषय के अंतर्गत, उसमें एक चैप्टर है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, जो मैंने देखा पीछे YouTube चैनल पर बाकी की आगे की क्लासें आपको पढ़ा दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों का अधिकार भारत पर किन परिस्थितियों में और कब शुरुआत होती है और धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता भारत में किस तरीके से मजबूती प्राप्त करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भारत में अंग्रेजों का शासन कैसे होता है और हिंदुस्तान भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बनता है। तो हम शुरुआत करेंगे आज बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम अंग्रेज भारत में कब आते हैं और कब इनकी शुरुआत होती है, भारत से कब इनका परिचय होता है और उसके दौरान ये किस उद्देश्य से भारत आते हैं और भारत आने के पश्चात किन परिस्थितियों में भारत की सत्ता पर अपना स्थापित्व कर लेते हैं, सत्ता पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं 1600 ईस्वी की। सबसे पहली घटना होती है 1600 ईस्वी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों से व्यापार के जरिए से ब्रिटेन देश के अंतर्गत इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा, जो ब्रिटेन के व्यापारी होते हैं उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और ब्रिटेन के अंदर ही स्थापना की जाती है, जिसे शॉर्ट में आप EIC से समझेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी पूर्वी देशों से व्यापार के लिए, जो पश्चिमी देश है, हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना पश्चिमी देशों में, जहां ब्रिटेन में की जाती है। अब बात करते हैं उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ब्रिटेन में महारानी का शासन था एलिजाबेथ प्रथम, उसमें ब्रिटेन की महारानी थी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष का अधिकार पत्र एलिजाबेथ द्वारा दिया जाता है। एलिजाबेथ द्वारा अधिकार पत्र दिया जाता है कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो 15 वर्षों तक, और ये अधिकार पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, एलिजाबेथ के द्वारा। जब 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाता है, शुरुआती दौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आती है, नहीं सत्ता हथियाने के उद्देश्य आजी, उन परिस्थितियों के दौरान यहाँ की सत्ता ब्रिटिश अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। जब एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्ष का इनको अधिकार पत्र दे दिया जाता है, जो ही वो अधिकार पत्र समाप्त होता है और 15 वर्षों की अवधि समाप्त होती है, उसी के दौरान वहाँ ब्रिटेन में जेम्स प्रथम का शासन रहता है। जेम्स प्रथम द्वारा क्या किया जाता है, यही अधिकार पत्र इनको अनिश्चित समय के लिए दे दिया जाता है कि आप हमेशा ही पूर्वी देशों से व्यापार करते रहे, अनिश्चित समय के लिए ये अधिकार पत्र दिया जाता है। और इन्होंने वहाँ के महारानी से क्यों परमिशन मांगी इसका, क्योंकि व्यापारिक सुरक्षा उनके द्वारा ही प्रदान की जाती थी, इसलिए उनसे वहाँ से उनसे आज्ञा मांगी। अब क्या घटना घटित होती है, जेम्स प्रथम द्वारा उनको अनिश्चित समय के लिए अधिकार पत्र दे दिया जाता है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, एक दूत था जो भारत आता है और व्यापारिक संभावना को तलाशने के लिए भारत आता है। कैप्टन हॉकिंस क्या करता है, 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने का प्रयास करता है, मुगल बादशाह से मिलता, पहले ये सूरत आता है, कैप्टन हॉकिंस यहाँ सूरत आता है 1608 ईस्वी में, और ये मुगल बादशाह जो सर्वोच्च सत्ता हिंदुस्तान में थी, जिसे परम सत्ता कहते हैं, जो सर्वोच्च सत्ता शिखर सत्ता यानी जिसके अधीन हिंदुस्तान का शासन था, उनसे आज्ञा मांगने का प्रयास करता है, व्यापारिक अनुमति मांगने के लिए ये आता है। ये क्या करता है, पहली बार कैप्टन हॉकिंस है जो जहांगीर को मिलता है आगरा के दरबार में। जहांगीर क्या रहता है, जो आगरा है आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में आगरा है, और आगरा के दरबार में जहां मुगलों का दरबार था, शासन सत्ता वहीं से चलती थी, तो आगरा के दरबार में कैप्टन हॉकिंस मिलता है जहांगीर से,
उसी दौरान एक क्या घटना घटित होती है कि कैप्टन हॉकिंस द्वारा जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत की जाती है और जहांगीर द्वारा जो कैप्टन हॉकिंस द्वारा जो फारसी भाषा में बात की जाती है उससे जहांगीर बड़ा ही प्रसन्न होता है और जहांगीर प्रसन्न होकर कैप्टन हॉकिंस को फिरंगी खान की उपाधि प्रदान करता है, यानी इसको फिरंगी खान कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये तो फिरंगी है, अंग्रेजों को एक शब्द फिरंगी भी कहा जाता है, देसी भाषाओं में आपको पता होगा फिरंगी कहा जाता है। तो ये जो जहांगीर द्वारा फिरंगी खान की उपाधि इसे प्रदान की जाती है और 400 का मनसब प्रदान किया जाता है। मनसबदारी प्रथा आपने पढ़ी होगी मुगल काल के दौरान, जो सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष में आपने पढ़ा होगा। मनसब एक तरह का ओहदा होता है कि किसी शासक को या किसी जमींदार को कितने सैनिक रखने और कितने घोड़े रखने का अधिकार होता है, उसे ही मनसब, उसका ओहदा, उसकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए मनसब नाम लिया जाता है। तो ये 400 का मनसब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा प्रदान किया जाता है। और उसी दौरान 1608 ईस्वी में या सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा है जो अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली जाती है। अभी तक इन्हें मुगल बादशाह से परमिशन नहीं मिली है, किसी तरह की आज्ञा नहीं मिली है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा यहाँ फैक्ट्री स्थापित कर ली जाती है व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापारिक संभावना। प्राचीन भारत में आपको तो पता ही है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था और प्राचीन समय में ही हमारे पश्चिमी देशों से थल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, तो वर्तमान समय में जो आधुनिक युग के दौरान जल मार्ग के द्वारा संबंध हुआ था और व्यापार पहले थल मार्ग के द्वारा ही होता था। आपको पता, 16 अकबर के शासन के समय मिडलटन ने नाम का एक अंग्रेज और अकबर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य मिलने आया था। अब बात करते हैं 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर दी जाती है। तो अभी तक इनको आज्ञा नहीं मिली फैक्ट्री की, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री का कार्य शुरू कर दिया है और इसी उद्देश्य से 6 फरवरी 1613 ईस्वी की घटना है। 6 फरवरी 1613 ईस्वी का उस समय के तात्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा एक शाही फरमान के द्वारा इनको व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। शाही फरमान तो आप समझ गए हैं, राजकीय आदेश, यानी शाही फरमान, यानी आप इसे राजकीय आदेश मान सकते हैं। राजकीय आदेश को ही शाही फरमान कहते हैं। राजकीय आदेश द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति भारत में मिल जाती है। अब बात करते हैं उसके बाद में क्या घटना घटित होती है, ये कार्य जो ये इसी दौरान ये घटनाएं घटित होती है और भारत में अंग्रेज धीरे धीरे आने लग जाते हैं व्यापारिक उद्देश्य से। उसी दौरान 1616 ईस्वी में टॉमस रो, ये भी जेम्स प्रथम का राजदूत है। मैं बता दूं आपको, कैप्टन हॉकिंस भी जेम्स प्रथम का राजदूत था और ये जो टॉमस रो है ये भी जेम्स प्रथम, जो तत्कालीन समय में ब्रिटेन का शासक था, जो वहाँ का राजा था। उसी दौरान क्या होता है, 1616 ईस्वी में जो जहांगीर है, जहांगीर से मिलने के उद्देश्य से टॉमस रो भारत आता है और 1613 ईस्वी में ये जहांगीर से अजमेर के दरबार में मिलता है और अजमेर में जहांगीर से ये व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए मिलता है और व्यापारिक अनुमति लेने में ये सफल हो जाता है। उसके पश्चात अंग्रेजों ने धीरे धीरे, अभी तो अंग्रेज है जो अभी सूरत में ही टिके हुए हैं और अंग्रेजों द्वारा सूरत से बंगाल तक का सफर कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि हमारा जो शीर्षक है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे होती है, ये शुरुआती तौर पर सीधे बंगाल नहीं आते हैं और सूरत आते हुए इसी जल मार्ग के द्वारा और थल मार्ग के द्वारा बंगाल आते हैं। अब बंगाल में जो अंग्रेजों ने अपने सत्ता कैसे स्थापित की और शुरुआती दौर में व्यापारिक उद्देश्य के दौरान कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कैसे किया, धीरे धीरे अगर इनको व्यापारिक अनुमति मिल जाती है हिंदुस्तान में मुगल बादशाहों के द्वारा, तो 1696 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। 1696 ईस्वी की बात करते हैं तो 1696 ईस्वी में बंगाल के अंदर तीन गांव है, बंगाल के अंदर एक तो गोविंदपुरा, कोलकाता, कालीकाता जिसे पहले कहा जाता और सुतानाती, ये तीन गांवों की जमींदारी यहाँ मिलती है।
मुगल बादशाह द्वारा 1200 रुपये वार्षिक, मात्र 1200 रुपये वार्षिक चुकाने की एवज में ये तीन गांवों की जमींदारी इनको ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपये वार्षिक पे के आधार पर ये जो वहां पर जमींदारी, यानी इनको जमींदार तीन गांवों का बना दिया जाता है। और इन्हीं तीन गांवों को मिलाकर, तीन गांवों की बात करते हैं हम, तो तीन गांव में सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इन्हीं तीन गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आप सभी को पता होगा जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, आपको पता है। तो उसी के दौरान इस कलकत्ता की नींव रखी जाती है, और कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम नाम का किला अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है अपनी सुरक्षा हेतु, और व्यापारिक जो उनकी कोर्ट या उनकी सुरक्षा हेतु वो किला बनाया जाता है, और इसी दौरान कलकत्ता की नींव पड़ती है। अब बात करते हैं, तो धीरे धीरे जो अंग्रेज है जो सूरत से निकलकर बंगाल की तरफ आने लगे, और बंगाल में भी व्यापारिक उद्देश्य से वहां अपनी फैक्ट्रियां और कंपनियां स्थापित करने, क्योंकि बंगाल एक समृद्ध भूभाग था जहाँ पर अत्यधिक अनाज और फसलों का उत्पादन होता था, और यहाँ व्यापारिक संभावनाएं अत्यधिक थी। इसी वजह से अंग्रेजों का आकर्षण बंगाल की तरफ बढ़ता है। एक बार की घटना 1701 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा एक राजकीय आदेश निकाल दिया गया था। ये एजी मैंने लिखा था, इसका मतलब औरंगजेब है, मुगल बादशाह होता है उसी दौरान। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। उसी समय जो मुगल बादशाह होता है उसने एक आदेश जारी कर दिया, जितने भी यूरोपियन हैं उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। तो एक बार अंग्रेजों की और मुगल बादशाह के बीच टकराव की स्थिति आई, लेकिन फिर स्थिति सामान्य हो गई थी वापस। अब बात करते हैं 1717 ईस्वी में, इसी दौरान मुगल काल के दौरान जो जो मुगल काल की जड़ें कमजोर होती है, 1707 ईस्वी के बाद औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और इसी तरह अंग्रेजों को अवसर मिलता है अपने को मजबूती प्रदान करने का। उसी दौरान क्या होता है, 1717 ईस्वी में तात्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा एक दस्तक, जिसे फरीफास भी कहा जाता है इंग्लिश में, दस्तक 1717 ईस्वी में द्वारा तात्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख शेर के द्वारा अंग्रेजों को एक शाही फरमान के द्वारा जारी कर दिया जाता है। अब दस्तक से हम क्या समझते हैं, दस्तक है बिना चुंगी, नो टैक्स, बगैर चुंगी के व्यापार करने की अनुमति को ही दस्तक कहा जाता है, जिसे फरी का पास कहा जाता है। अब अंग्रेजों द्वारा पूरे हिंदुस्तान में 3000 रुपये वार्षिक मुगल बादशाह को देने पर कहीं भी व्यापार करने की अनुमति थी, और उनके सामान पे लाने ले जाने आयात निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाता, उन्हें व्यापार में चुंगी से मुक्त कर दिया जाता है। और इसी दौरान फिर बंगाल के तत्कालीन नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की परिस्थितियाँ पैदा होती है, क्योंकि उससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान होता है, और अंग्रेज इसी का आगे जाके दस्तक का दुरुपयोग करते हैं, जिस दौरान अंग्रेजों और नवाबों के बीच संघर्ष की स्थिति होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़े, 1717 में दस्तक जारी कर दिया जाता है मात्र 3000 रुपये वार्षिक में। अब बात करते हैं आगे, ये जो सुतानाती और कलकत्ता की 1200 रुपये वार्षिक में इनको जमींदारी भी मिल गई, और 1717 ईस्वी में इनको दस्तक भी मिला। मुगलों के समय बंगाल की स्थिति क्या थी, बंगाल में क्या परिस्थितियां थी जिस दौरान ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई और अंग्रेजों को अवसर मिला, तो उसी दौरान जो हम बात करते हैं बंगाल की, बंगाल में तीन सूबे थे, एक सूबा बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और इन्हीं तीनों सूबों से मिलकर उसी समय बंगाल का निर्माण हुआ। बंगाल बड़ा सूबा तभी बना था, ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा उसमें तीनों मिले थे। तो पहले ये बंगाल है तीन सूबों में विभाजित था, तीन प्रांत सूबे, मैंने बताया था आपको सूबे का अर्थ होता है प्रांत, जो तत्कालीन सत्ता होती है उसमें जो जितने प्रांत और राज्य होते हैं उनमें से बिहार, बंगाल पहले तीन सूबों में बंगाल विभाजन था, और तीनों को मिलकर बंगाल एक विस्तृत और बड़ा दीर्घ सूबा बन गया। अब बात करते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीन सूबे थे। 1705 ईस्वी की घटना है, 1705 ईस्वी में
तत्कालीन मुगल बादशाह, आपको पता होगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसी समय औरंगजेब भी शासक था 1705 ईस्वी में। 1705 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और उसके कार्य कुशलता से प्रसन्न होकर उसे उड़ीसा की भी सूबेदारी संयुक्त में दे दी जाती है। तो बंगाल और उड़ीसा पर सूबेदारी अलीवर्धन खां सूबेदार बन जाता है। अब बात करते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है। मुर्शिद कुली खां वैसे भी स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है और मुगल सत्ता को वह नाम मात्र की मानता है और स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाता है। अब बात करते हैं 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होने के पश्चात उसके कोई पुत्र नहीं था, तो उसी दौरान उसके दामाद शुजाउद्दौला बंगाल के सूबेदार बनते हैं और शुजाउद्दौला के द्वारा उसी समय बिहार पे भी अधिकार कर लिया जाता है और इस तरह तीनों को मिलाकर बंगाल एक विस्तृत सूबा प्रांत बन जाता है। बिहार यहाँ है, आपको पता ही है, मानचित्र की सहायता हमने इसलिए लिए ताकि समझने में आसानी हो। अब बिहार पर अधिकार कर लिया जाता है। शुजाउद्दौला जो कि मुर्शिद कुली खां का दामाद है और बिहार पर उसने अधिकार कर लिया 1727 ईस्वी में। लेकिन 1739 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनता है, क्योंकि 1739 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। तो ये सरफराज खां शुजाउद्दौला का पुत्र है। सरफराज खां एक अयोग्य सूबेदार था, इसमें वो क्षमता और प्रतिभा नहीं थी। तो उसी दौरान एक नायब सूबेदार, तो जो बिहार का सूबेदार अपने अधीन जिन सूबेदारों की नियुक्ति करता है उसे नायब सूबेदार कहा जाता है। ये नाम मात्र की मुगल सत्ता को मानते थे, लेकिन उस समय बंगाल जो मुगल सत्ता से काफ़ी दूर पड़ता था केंद्र, और हमेशा ही बंगाल और दिल्ली के अंदर संघर्ष रहता था, क्योंकि ये दूर होने के कारण दिल्ली सल्तनत और जो सर्वोच्च सत्ता थी उसके नियंत्रण में कम ही रहता था। तो उसी दौरान क्या होता है, शुजाउद्दौला का पुत्र है जो सरफराज खां वहाँ का नवाब बनता है बंगाल का, और उसी दौरान नायब सूबेदार होता है जो अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार होता है जो उसके अधीन होता है शुजाउद्दौला के। लेकिन उसने सरफराज खां एक महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्ति था, उसने अवसर पा के शुजाउद्दौला की हत्या कर दी और बंगाल सूबे का सूबेदार वही बन गया, उस पर अधिकार कर लिया। तो सरफराज खां की हत्या करने के बाद 1740 ईस्वी में उसने सरफराज खां की हत्या कर दी, अलीवर्दी खां के द्वारा कर दी जाती है और कमज़ोर मुगल सत्ता द्वारा इसको मान्यता दे दी जाती और वहां का सूबेदार मान लिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा है कि जो बंगाल मुगलों के समय बंगाल की क्या स्थिति थी और किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो ये हमने पढ़ा है कहाँ तक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कहाँ से होती है, 1606 ईस्वी में जो ब्रिटेन के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो हमने बात की किन परिस्थितियों के दौरान जो अंग्रेज भारत आए और यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आए और किस तरह सत्ता पे काबिज हो गए और भारत में अपना अधिकार कर लिया और हिंदुस्तान को कैसे गुलाम बनाया। आज हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कब पहुँची और भारत में कब पहुँची और उनके द्वारा कौन दूत वगैरह कौन उस समय शासक थे तत्कालीन, इसके बारे में जानकारी की है। और मुगलों के दौरान जब अंग्रेज भारत में आए और मुगलों के दौरान जो सत्ता कमजोर हो रही थी मुगलों की, उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी, बंगाल में कौन से सूबेदार थे और उन्होंने उनकी क्या शासन व्यवस्था थी और अंग्रेजों के साथ क्या संघर्ष। आने वाली क्लास के अंदर हम
जो बंगाल के सूबेदारों और इनके बीच अंग्रेज़ों के बीच जो संघर्ष की कहानी है उसको पढ़ेंगे, और उसमें प्लासी और बक्सर के युद्ध 1757 ईस्वी में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1764 में, बक्सर का युद्ध, और इन युद्धों के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में कैसे मजबूत होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो पूछिए, और कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल पर जितना भी अपना जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप कमेंट कीजिए और पूछिए। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए मेरी प्रथम क्लास है, और अपने आपके सुझाव भी आमंत्रित है। कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है और उसको अधिक विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के जरिए सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।